द वे फॉरवर्ड इज़ तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडा होस्ट हरजोत सिंह। जिहड़ा ये करोना दा पेंडेमिक है, इसने साडे समाज दे हर वर्ग नूं इफेक्ट किया और बड़ी बुरी तरीके नाल इफेक्ट किया। एक पर्टिकुलर वर्ग, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जिहड़ी इस कोविड नाल बड़ी ही हार्ड हिट हुई है, वह हैगी है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। अज इस इंडस्ट्री के बारे गल करने वास्ते असी आमंत्रित किया है एक बड़े पॉपुलर रेस्टोरेंट जिहड़ा एक चेन हैगी है नानकिंग करके न्यूयॉर्क विच एंड अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने ओनर मिस्टर हरकेश यादव जी। हरकेश जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू एंड थैंक्स। मैं कहूँगा जस्ट पंजाबी का अर्जुन जी, आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए थैंक यू। असी अपने व्यूज़ नूं दस दिए कि हरकेश जी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री दे एक वेटरन हन। एक बड़ा पॉपुलर रेस्टोरेंट चेन नानकिंग ओन करदे हन और एक बड़े पॉपुलर अनदर इंडियन ट्रेडिशनल फूड हैरीटेज जिहड़ा रेस्टोरेंट है उसनूं ओन करदे हन। हरकेश जी, कोविड ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बड़ी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट किया है। गवर्नमेंट की कुछ हेल्प रही है जिससे कुछ स्मॉल बिजनेसेस अभी सर्वाइव कर रहे हैं, बट रेस्टोरेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो टोटली लोगों के इंटरेक्शन, लोगों के आने के ऊपर, लोगों के घर से बाहर निकलने के ऊपर डिपेंड करती है, और इस सिचुएशन में इस इंडस्ट्री ने बहुत सफ़र किया है। आप हमें बताएं क्या क्या देखते हैं आप, कैसा रहा है कोविड का इफेक्ट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ऊपर? हरजोत जी, बिल्कुल कोविड से हमें बिल्कुल इफेक्ट पड़ा है, बहुत इम्पैक्ट पड़ा है जी। ना केवल रेस्टोरेंट्स को बल्कि उस हर चीज को जो एक हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी हुई है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो होटल है, क्रूज है, ट्रैवल है, हर चीज़ को एक बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा है। बट उससे पहले मतलब हम सबकी सेफ्टी पहले बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लीडर्स ने, हमारे कम्युनिटी लीडर्स ने, हमारे गवर्नर्स ने, प्रेसिडेंट ने जो स्टेप्स लिए, जिस वजह से कि हमें मार्च 15 को उन्होंने अनाउंस किया बंद करने के लिए डाइनिंग के लिए, खाली टेकआउट डिलीवरी चलाने के लिए, वो उनके सारे स्टेप्स बहुत ही मतलब ज़रूरी थे इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए और हमारी अपनी और अपने कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए जी। हाँ, उससे इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो सब घर बैठ गए थे, डाइनिंग बंद हो गया था और रेस्टोरेंट खाली बेस थे टेकआउट और डिलीवरीज पे। लोगों में एक टेरर था, लोगों में एक डर था कि किस तरीके से हम इसके इससे फेस करें, इस पेंडेमिक से फेस करें। तो इससे बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ा हमें, हमारा बिजनेस बिल्कुल ख़राब हुआ, हमारे कस्टमर्स खराब हुए, हमारे इवेंट्स, हमारी गैदरिंग्स, वेडिंग केटरिंग्स सारी की सारी कैंसिल्स हुई, सारी ख़त्म हुई। तो इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम वी हैड, बहुत मुश्किल का टाइम था इस दौरान। तो इट वाज वेरी बैड, इट वाज वेरी टफ एक्चुअली। यदि तो अभी अभी कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है? हमने रीओपन किया अपने रेस्टोरेंट, मैं बताऊं मिड ऑफ मई में, कुछ लोगों ने उससे पहले भी ओपन किए, नॉट फॉर द डाइनिंग, जस्ट फॉर टेकआउट एंड डिलीवरी। हमारे न्यूयॉर्क सिटी में जो डाइनिंग हमें अलाउड हुई थी वो हुई है सितंबर 30th को, मगर नासर में और सफत में जून 25th को वो स्टार्ट हो गई थी डाइनिंग विद 50% ऑक्यूपेंसी। तो जब स्टार्ट किया तो लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लोग आए, उतने नहीं बट 50% ऑक्यूपेंसी थी तो लोग आए, बिजनेस अच्छा था और मतलब मैं कहूँ सबर्ब्स में अच्छा था। न्यूयॉर्क सिटी में सितंबर 30th को रेस्टोरेंट्स रीओपन हुए तो इतना अच्छा रिस्पांस वहाँ नहीं रहा, स्पेशली मैं सिटी की बात करूँ तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, वहाँ पे तो टूरिज्म कुछ नहीं है, ऑफिस खाली हैं। तो मतलब रीओपन हुए मगर वो बात नहीं है हरजोत जी जो हम लोग पहले किया, पहले थी या पहले जिस तरीके से बिजनेस था जी, मतलब स्लो है काम। हरकेश जी, जो ये गवर्नमेंट ने जितनी रिस्पाइट दी कि भाई ये डिलीवरी अलाउ कर दी या टेकआउट जो है, क्या वो काफ़ी परसेंटेज होता है एक रेस्टोरेंट के बिजनेस का?
नहीं हरजोत जी, जिस तरीके से हमारा मॉडल है, लाइक हमारा हम लोग ज़्यादा वी आर इनटू इन फाइन डाइन रेस्टोरेंट, जहाँ लोग आते हैं अपने इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, अपने छोटी छोटी पार्टीज करते हैं, जी वहाँ हमारे लिए टेक आउट और डिलीवरी मतलब मैं ये कहूँगा कि सफिशेंट नहीं है सर्वाइव करने के लिए। तो हम जिस तरह के फाइन डाइन मॉडल हैं जितने भी हैं न्यूयॉर्क में या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जहाँ लोग फैमिलीज के साथ जाते हैं वीकेंड्स में, या जहाँ पे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, उनके लिए टेक आउट एंड डिलीवरी में सर्वाइव करना मतलब मुझे मेरे इन माय ओपिनियन इट्स नॉट इट्स वेरी टफ, जी इट्स जी वेरी जी टफ। और हरकेश जी, एक बहुत बड़ा जो एक रेवेन्यू सोर्स होता है रेस्टोरेंट्स के लिए, इन बिजनेसेस के लिए, वो होता है केटरिंग का। आई अंडरस्टैंड कि अभी जो सारी सिचुएशन में मैरिजेस, पार्टीज, ग्रेजुएशन, हज़ार किस्म की पार्टीज, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, वो ना होने की वजह से वन वुड इमेजिन कि आपके बिजनेस पे काफ़ी फर्क पड़ा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो जी, आई एग्री। किसी भी हमारी फूड इंडस्ट्री में जी हमारे लिए जितना हमारे कस्टमर जो हमारे डाइनिंग के लिए आते हैं, जिसे हम अपना वॉक इन लोग वॉक इन कस्टमर्स बोलते हैं, जी वो तो बिल्कुल जरूरी है, मगर इसके अलावा एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि केटरिंग का पार्ट है। जी हमारी एशियन इंडियन कम्युनिटी जो है, एशियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है, बहुत बड़ी है, बहुत सेलिब्रेशन उसके अंदर होते हैं, बहुत बच्चों की वेडिंग्स होती हैं, केटरिंग्स होती हैं, ना खाली वेडिंग केटरिंग्स है, उसके अलावा अपना ग्रेजुएशन हैं, बेबी शावर्स हैं, ब्राइडल शावर्स हैं, एनिवर्सरीज हैं, कई किस्म की पार्टीज। मतलब केटरिंग्स हैं जो कि हमारी बिल्कुल जीरो हो गई है इस साल के अंदर। जी और मैं कहूंगा कि इससे हमें तो फर्क पड़ा ही पड़ा है, जितने बड़े केटरिंग हॉल्स हैं न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, लॉन्ग आइलैंड के अंदर, जी उनको तो बहुत डायरेक्टली उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि वो तो बेस ही खाली उन इवेंट्स के ऊपर थे जो उनको उनके यहाँ हुआ करते थे। जी तो जी जी बिल्कुल हमारी सारी जो वेडिंग्स हैं, जितने भी सोशल गैदरिंग्स हैं, जी वो कैंसिल हो गई हैं, और अब जब हुई हैं शुरू तो वो बड़ी लिमिटेड नंबर्स के साथ हुई हैं, जी 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 तो इससे बहुत बड़ा मतलब नुकसान हुआ है हमारी इंडस्ट्री को। बिल्कुल और हुआ है। बहुत जो यू नो जो एफिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, अब जैसे जो मीट सप्लायर है, जो फ्लावर की अरेंजमेंट करता है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी इफेक्ट हुई होंगी। बिल्कुल हरजोत जी, देखिए ये एक जो है ना बिजनेस है, जो कि एक दूसरे से सिंक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर जी मैं आज रेस्टोरेंट रन करता हूँ तो मेरे वेंडर्स हैं जो जी मुझे प्रोड्यूस सप्लाई करते हैं, मुझे पेपर गुड सप्लाई करते हैं, वेजिटेबल सप्लाई करते हैं, डेयरी है, मीट है, एवरीथिंग, वो वेंडर्स बेचारे हमारे पर ही सर्वाइव कर रहे हैं, हमें ही सप्लाई करके, नॉट ओनली द रेस्टोरेंट, दे आर सप्लाइंग बेसिकली इन केटरिंग हॉल्स, डेलीज, कैफेज, सबको सप्लाई करते हैं। जब सब एक साथ बंद हुए, एक साथ जब सबके बिजनेस कम हुए, एक साथ सबके फुटफॉल्स कम हुए, तो उन वेंडर्स की भी सप्लाई कम हुई, उनके भी ऑर्डर्स कम हुए, और बिल्कुल उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का, और बिल्कुल फर्क पड़ा उनका। जी 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 यस जी नहीं, देखिए सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़र्क पड़ा है, कुछ इंडस्ट्रीज़ ने गेन भी किया है, बट यू नो एज़ यू सेड, आई थिंक एक इंडस्ट्री जिससे सबसे ज़्यादा डायरेक्ट असर पड़ता है और जो लास्टिंग असर है, वो हॉस्पिटैलिटी की है। गवर्नमेंट की किस किस्म की सपोर्ट रही है इस सिचुएशन में, पर्टिकुलरली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को? मतलब जी, गवर्नमेंट की हमें अच्छी सपोर्ट मिली है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें सपोर्ट नहीं किया गया, जी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल लोन्स, SBA लोन्स और PPP प्रोग्राम जो था, पेरोल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के जी तहत गवर्नमेंट से हर एक छोटे बिजनेस को, चाहे उसमें रेस्टोरेंट बिजनेस है, चाहे हमारा होटल बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, गवर्नमेंट की हेल्प मिली है, और वो एक हेल्प थी जिसकी वजह से हम लोगों ने हिम्मत की दोबारे रीओपन होने करने की, दोबारा जी से वापस अपने पैरों पे खड़े होने की, जी और इट वाज अ ग्रेट हेल्प मैं कहूँगा, जिससे कि हम दोबारे खोल पाए अपने बिजनेसेस और दोबारे हम वापस आ पाए अपनी कम्युनिटी के अंदर। मगर वहीं मैं कहूँ कि हमारे अपने बिजनेसेस हैं, हमारे अपने बिजनेस ऑनर्स हैं, जो कि हम अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, और उसमें ऐसा होता है कि ना जो जी, हम उन्हें हेल्प करने के लिए कभी कभी आउट ऑफ द वे जाके उनके उनकी टेक केयर करते हैं, और उनको ना बुक्स पे रख के ऑफ द बुक्स भी रहते हैं। अब उन बिजनेसेस को बड़ा ये हर्ट हुआ है, उन प्रोग्राम्स का जिन्हें बेनिफिट नहीं मिल पाया, जिनके एम्प्लॉयज़ जो थे बुक्स पे नहीं थे,
जी तो उनके लिए थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि उन्हें इस प्रोग्राम का उतना बेनिफिट नहीं मिला जितना जी जी कि एक्चुअल में मिलना चाहिए था। जी जी इन इंडस्ट्रीज़ में कई ऐसे काम हैं जहाँ पे कैश पे काम होता है, सो देर आर नो रिकॉर्ड यू नो ऑफ थिंग्स यू नो जो उनकी एम्प्लॉयमेंट के, उनके बिजनेस के कई रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो हरकेश जी, यू नो वी एज अ कम्युनिटी वी रियली फील फॉर यू नो द रेस्टोरेंट्स, फॉर द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो उन्होंने ये सफ़र किया है। कोई कोई आपकी यूनियंस हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, हु लॉबी फॉर यू, हु फाइट फॉर यू? हरजोत जी, एज सच हमारी एक यूनियन है जो है, मतलब नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन है एक, जी जो कि एक नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है नेशनल ब्रांड रेस्टोरेंट्स को। मगर एज सच अगर हम बात करें अपने इंडियन रेस्टोरेंट की, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई एज सच अब तक कोई लॉबी है या कोई यूनियन है। और मैं चाहूँगा कि मतलब कोई आगे आए, सामने आए, आप सामने आए, आप बड़ा अच्छा जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा, मतलब कुछ एजुकेशनल चीज़ लेके आते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो वी नीड पीपल लाइक यू कि जो आए और कुछ इस तरीके से करें कि मतलब ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें देखिए हमारी अपनी कम्युनिटी का कोई यूनियन नहीं है, कोई लॉबी नहीं है, कोई जी जी एसोसिएशन जी नहीं है, कि जी कुछ बने जिससे कि सब हम लोग एक साथ इकट्ठा हों और अपनी बात रखें आगे। जी 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 इट्स ये बहुत ज़रूरी है, और हमारा एज जर्नलिस्ट हमारा काम है आप इन इश्यूज़ के ऊपर, कम्युनिटी के इश्यूज़ के ऊपर लाइट डालना। हरकेश जी, हम आपसे बात जारी रखेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तुसी वेख दे रहो द वे फॉरवर्ड। थैंक यू। द वे फॉरवर्ड इज तुहाडा फिर तो स्वागत है, मैं तुहाडा होस्ट हरजोत सिंह। अज असी गल कर रहे हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ट मिस्टर हरकेश यादव जी नाल। हरकेश जी, ये जो अभी सारी सिचुएशन कोरोना की हमने देखी है, इन लाइट ऑफ दिस, क्योंकि इसके इफेक्ट्स तो काफ़ी देर रहने लगे हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का? थैंक यू अर्जुन जी। अर्जुन जी, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है कि इस 2020 के अंदर, कोविड के बाद, अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। हमारी जो पहले प्रडिक्शंस थी, हमारी जो पहले प्लानिंग थी, हमारे जो पहले जिसे कहते हैं कि स्ट्रेटेज थे, वो सब चेंज हो गए हैं। और मैं देख भी रहा हूँ उसको, बहुत सारे जो फ्रेंचाइजी हैं, बहुत सारे जो कैफेज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नेशनल ब्रांड्स हैं, वो रिलोकेट हो रहे हैं, अपनी जो लोकेशंस हैं उन्हें छोटा कर रहे हैं, उन्हें ड्राइव थ्रू कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि डाइनिंग ख़त्म करके और खाली जो मॉडल बन गया है जिससे कि वो अच्छा कर रहे हैं, टेक आउट एंड डिलीवरीज कर रहे हैं, उस मॉडल पे धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं। तो मैं ये कहूँ कि फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स के लिए, जहाँ हम लोग पसंद किया करते थे फैमिली के साथ जाना, सेलिब्रेशंस करना, आई डोंट नो कि वो कितना आगे चीज चल पाएगी या कितना वो आगे सर्वाइव हो पाएगा या सर्वाइव हम कर पाएंगे, क्योंकि अभी इस कोविड सिचुएशन में एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जो नेशनल ब्रांड्स, फ्रेंचाइज जो हैं, फास्ट फूड जो हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा बिजनेस किया है, खासकर सबअर्ब्स के अंदर। मैं न्यू सिटी की पर्टिकुलरली बात नहीं करूंगा, बट अगर आप बाहर आ जाए तो जी उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, उनका उनका बिजनेस अच्छा रहा है। तो उन्हें एक चीज लग गई है कि छोटे मॉडल के साथ और खाली टेकआउट और डिलीवरी के साथ भी वो अच्छा कर सकते हैं, उसमें जी उनका पेरोल सेव होता है, उनकी जो बड़ी लोकेशन है जिसमें कि सिटिंग कैपेसिटी है वो छोटी होती है, उससे उनका रेंट छोटा होता है, उनका इंश्योरेंसेस कम होती हैं, उनकी उनके सारे ओवरहेड्स कम हो जाते हैं, जी प्लस उनका जो नंबर्स हैं, प्रॉफिट नंबर्स हैं, वो बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली इस सारे के बाद मतलब ये कहना मतलब बहुत टफ है कि पहले जैसी रौनकें रहेंगी, पहले जैसी पार्टियां रहेंगी, या पहले जैसे बड़े रेस्टोरेंट में हम फन किया करेंगे। मतलब मैं कहूंगा कि सब चीजें हो जाए ऐसी, आई जी विश, बट हाँ जी, इसमें ऑलरेडी लोगों ने, ऑलरेडी जो हमारे फास्ट फूड चेन्स हैं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। वो अपना आपको रीमॉडल कर रहे हैं, अपना स्ट्रक्चर को रीमॉडल कर रहे हैं और छोटा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी फंडामेंटल चेंज है, क्योंकि एक जो एक आम जो रेस्टोरेंट ओनर है
वो उसके लिए इस सारी यू नो सिचुएशन के बाद उतना ज़्यादा पैसा लगाना, इतनी बड़ी एक जगह के ऊपर रिस्क लेना, वो भी वो उसमें थोड़ा सा हेजिटेट करेगा करने में. इज दैट राइट टू से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अर्जुन जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. आज अगर मुझे लगेगा कि ये चीज दोबारा शुरू आ जाए जी, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो कि इस तरह की पेंडेमिक दोबारा कोई हो, बट हमेशा होता ना कि हम लोग वर्स के लिए रेडी रहते हैं. जी, अगर दोबारा ऐसा होता है तो कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी में वो सोचेगा कि अगर मुझे टेकआउट और डिलीवरी करनी है एज पर द स्टेट नॉर्म्स, एज पर द स्टेट रेगुलेशंस, तो मैं क्यों इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊं, क्यों मैं इतनी सारी सिटिंग्स बनाऊं, डेकोर पे खर्च करूं और फर्नीचर पे खर्च करूं, और मैं इतना स्टाफ रखूं, इतना पेरोल दूं, इतने बड़ी जगह का मैं इंश्योरेंस पे करूं. डेफिनेटली कोई भी जो नया इन्वेस्टर है वो जरूर सोचेगा. जी जी हरकेश जी, ये एक जैसे मैंने पहले भी कहा बड़ी फंडामेंटल चेंज होएगी, और हम जैसे आम लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है, हफ्ते में एक बार बाहर निकलना, बाहर जाके खाना, और दैट्स नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग, वो एक आउटिंग भी होती है, तो आप हमें कुछ कॉन्फिडेंस दें कि क्या आप ऐसी कोविड जैसी सिचुएशंस में कोई ऐसी प्रिकॉशंस ले रहे हैं जिससे हम सेफ फील करें और हम रेस्टोरेंट्स में जाते रहें और रेस्टोरेंट्स इस एग्जिस्टिंग मॉडल को एटलीस्ट कुछ टाइम तक कंटिन्यू रखें? अजय जी, कुछ टाइम के लिए नहीं, हम आपको मैं आपको अश्योर करता हूँ और अपने सभी पेट्रॉन्स को और सभी अपने कस्टमर्स को मैं उनको अश्योर करता हूँ कि आप हमारे यहाँ बिल्कुल 100% सेफ हैं. जी, हमने अपना डाइनिंग खोला तो हमने वो सारे गाइडलाइंस फॉलो की है जो हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें मिले या जो स्टेट से मिले. हम हर कस्टमर का पूरा डिटेल लेते हैं जब वो हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, प्लस हर कस्टमर का टेम्परेचर हम देखते हैं कि उनका टेम्परेचर ठीक है. हम हर टेबल को प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं, जो हमारे सैनिटेशन डिपार्टमेंट से हमें अप्रूव्ड होके मिले हैं सॉल्यूशंस, उन्हें हम वाइप करते हैं, सैनिटाइज करते हैं. हमारा हर एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से मास्क पहनता है और टाइम टू टाइम अपने हैंड वॉश करता है. हर सेकेंड वीक हम अपने हर एम्प्लॉय का कोविड टेस्ट कराते हैं और उनकी डेली टेम्परेचर की लॉग बुक भी मेंटेन हम करते हैं. तो हम चाहते हैं कि वो रौनकें लगी रहें, वो अपने फेस्टिवल्स चलते रहें और आप बिल्कुल सेफ और सिक्योर हैं, क्योंकि हम 2006 से अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं न्यूयॉर्क में और ट्राई स्टेट्स में. और पूरी मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं अपने हर लोकेशन में, अपने हर रेस्टोरेंट में वो सारे मैं प्रिकॉशंस लूँ जिससे कि मेरे कस्टमर्स और आप बिल्कुल सेफ और सिक्योर महसूस करें. हरकेश जी, ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम थोड़ा आपकी बात सुनने के बाद थोड़ा सिक्योर फील कर रहे हैं, एंड आई होप हमारे बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एज़ वी डिस्कस्ड अर्लियर कि सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी लोगों की लाइवलीहुड उस चीज़ के साथ कनेक्टेड है. हरकेश जी, एक चीज़ जो मैं आपसे जनरली पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री काफ़ी लोग उस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं और ये बढ़ रही है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, हम हर नए दिन एक नया रेस्टोरेंट खुलता देख रहे हैं, बट जनरली स्पीकिंग ये देखा जा रहा है कि जो हमारी यहाँ की कमिंग जनरेशन हैं, जो बच्चे यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, उन्हें इंडियन फूड के साथ वो फैसिनेशन नहीं है जो कंपेयर टू दोज पीपल हैव कम फ्रॉम इंडिया. इनको वो स्पाइसी लगता है, ये जब फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स के लिए जाते हैं तो आई डोंट थिंक वो इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वो बाहर अमेरिकन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं. सो डू यू सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर इंडियन रेस्टोरेंट्स, पर्टिकुलरली इन यूएस? हरदर जी, बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ. हमारी सेकेंड जनरेशन जो है ना, वो हमारी जो सेकेंड जनरेशन है वो अपना जो है ना क्या कहते हैं उसको, इंस्टा एंड ट्विटर की जनरेशन है वो. दे आर मोर फोकस्ड इनटू द पिक्चर्स फॉर, और दे आर मोर फोकस्ड फॉर द सोशल मीडिया. टेस्ट जो है बिल्कुल उनका कंसर्न है, मगर उनके लिए पिक्चर ज्यादा मतलब अहमियत रखते हैं, पोर्शंस अहमियत नहीं रखते, उनके लिए प्रेजेंटेशन ज्यादा अहमियत रखती हैं. और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, सेकेंड जनरेशन हमारी जो अपनी सेकेंड जनरेशन है वो दे आर मोर इनटू इन डिफरेंट कुजींस. सारी कुजींस मैं कहता हूँ अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं,
चाहे वो अमेरिकन कुजीन है, इटालियन है, चाहे मैक्सिकन है, आई लव ऑल ऑफ देम। और बट हमारा जो सेकेंड जनरेशन का जो झुकाव है या जो मैं कहूँ रुझाव है, वो उस तरफ ज़्यादा है। तो फिर मैं वो बोलूँगा कि ये हमारी जो जनरेशन है ना, वे बोला अपना इंस्टा और ट्विटर जनरेशन है, सो दे आर मोर फोकस्ड इनटू इन सोशल मीडिया। उन्हें पिक्चर्स ज़्यादा कंसर्न है बजाय कि हमारे टेस्ट से। अब जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वी नो व्हाट द टेस्ट इज, क्या टेस्ट है, कौन से डिश का। फर्ज जी करें बटर चिकन है, हमारा गोट है, या हमारा पालक पनीर है, लाजवाब है, दाल है, हमारी दाल मखनी है, या जो भी हमारी वो कुजीन्स हैं, जो भी हमारा वो स्वाद है, उस स्वाद का हमें मालूम है। हमारी जनरेशन को शायद हमें और ज़्यादा एजुकेट करना पड़ेगा देखिए, ये बताने के लिए कि ये खाना है, इस तरीके से खाना है। ये एक कल्चरल शिफ्ट है। मैं बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि एटलीस्ट हमारे हमारे टाइम में, हमारी जनरेशन्स में, जब कोई फंक्शन होता है तो बाकी सब कुछ साइड पे है, खाने की क्वालिटी कैसी थी वो उस पे वो फंक्शन जज होता है कि भाई खाना बेकार था या खाना बहुत बढ़िया था। और आज के टाइम पे वो डेकोर, वो बाकी एंटरटेनमेंट्स और जो बाकी चीज़ें हैं वो प्राइमरी हैं। जो खाना है वो मे बी शायद इतना मतलब एक बेसिक जो फंडामेंटल है किसी फंक्शन का वो नहीं रहा है। और उसके अलावा ये भी एक फैक्ट है कि अब मिक्स्ड मैरिजेज हैं, या हर का जो यहाँ पे जैसी सोसाइटी है, मिक्स्ड क्राउड आता है आपके फंक्शंस में, तो वो जो खाना भी है दैट इज़ केटर्ड टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उसमें भी आप कुछ डिफरेंस देखते हैं? हाँ जी हरजोत जी, बड़ा ही अच्छा बोला आपने। मतलब मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा आप अपडेटेड हैं हमारी कुजीन और हमारी इंडस्ट्री से। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने मतलब लेके आए हैं आप ही, जी थैंक्स हरजोत जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा केटरिंग्स के अंदर इन्वॉल्व हूँ, जी वेडिंग्स केटरिंग्स के अंदर, बड़ी वेडिंग केटरिंग के अंदर। जी और मैंने लेटली ये चीज़ मैंने खुद फील की है और खुद मैंने नोटिस की है कि जो आजकल की हमारी जनरेशन है वो बिल्कुल हर चीज़ का अपनी शादी में बहुत ही ध्यान रखते हैं। जैसे कि डीजे क्या हो, या डेकोरेटर क्या हो, या फ्लोरिस कौन सा हो, या फिर इवेंट प्लानर क्या है, या जो वेन्यू है वो कितना अच्छा है, और इवन जो उनकी राइड है, या जो हर चीज़ मतलब का वो जी बड़ा ही, दे आर वेरी पर्टिकुलर। और जो अच्छी बात भी है, मैं कहूँगा ये सारी की सारी इंडस्ट्रियाँ भी किसी ना किसी तरीके से हमसे जुड़ी हुई हैं, और आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। और ठीक है, आपने मिक्स कल्चर है, हम लोग जैसे हमारी जनरेशन बॉटअप हो रही है, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि जी आपने तो अगर शादी करनी है तो आपने इसी कम्युनिटी में करनी है। तो अब मतलब मैं चीज़ देखता हूँ, अभी लेटली मैंने काफ़ी सारी ऐसी वेडिंग्स की हैं जिसमें मतलब लड़का ब्राइड कहीं से है तो ग्रूम कहीं से, या ग्रूम कहीं से है तो ब्राइड कहीं से है, जी तो वो कहते नहीं ठीक है, अगर हमें अपना खाना नहीं मिल रहा है, देसी खाना नहीं मिल रहा है, तो उन्हें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर ठीक है, ग्रूम जिस तरफ से है वहाँ का खाना वहाँ से, कुछ खाना वहाँ से हो, जिस तरफ से ब्राइड है जी कुछ जी खाना जी वहाँ से हो, जी या जी जिस जी तरह से जहाँ से अगर ब्राइड दूसरी कम्युनिटी की है तो जी खाना कुछ उनका भी रखा जाए, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, जी और जी ग्रूम अगर हमारी कम्युनिटी का है तो जी खाना अपना भी हो, 50-50 हो जाए। तो ये चीज़ें काफ़ी शुरू हो गई हैं और काफ़ी चल जी रही हैं। हरकेश जी, हमारे पास समय बहुत नहीं रहा है। मैं ये चीज़ इसलिए पॉइंट आउट कर रहा था कि कितने चैलेंजेस जो उनसे हैं वो आपको हर तरफ से इस कोविड की वजह से और डिफरेंट जो कल्चरल शिफ्ट्स हैं इन सब की वजह से, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जिसमें हमारी बहुत सारी कम्युनिटी जो उनसे इन्वॉल्व है उनको ये चैलेंजेस हैं। मैं हरकेश जी जाते जाते आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप बताएं कि हम कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी, अपने रेस्टोरेंट्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। जरूर हरजी, हरजी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आगे दोबारा से भी आपका धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे इनवाइट किया, और टाइम के कम रहते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी कम्युनिटी से और सबसे कि प्लीज़ बाहर आएं, हमें सपोर्ट करें, हम छोटे बिजनेस को हेल्प करें। आप फेस्टिवल सीजन है, आप आएं, गिफ्ट कार्ड आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, हमारे पास गिफ्ट कार्ड्स हैं, हम सब रेस्टोरेंट वालों के पास गिफ्ट कार्ड्स हैं, आप गिफ्ट कार्ड बाई करें। और मेरे को आपकी एक बात याद आ रही है कि एक रेस्टोरेंट खाली बैठने के लिए या खाने के लिए, इवेंट के लिए नहीं था, एक रेस्टोरेंट था याद के लिए भी, एक अपनी मेमोरीज के लिए भी। हम मैं खुद 2006 से कैटर कर रहा हूँ अपना इंडियन एंड एशियन फ्यूजन फूड, तो लोगों ने जो यहाँ इवेंट किए हैं, जो लोग आए हैं, आज उनकी मेमोरीज हैं कि हमने देखो अपना यहाँ पे बर्थडे किया था, यहाँ हमने अपनी ग्रेजुएशन की थी, यहाँ अपना बर्थडे, या मैंने अपने यहाँ बेबी शावर किया था, या मैंने अपने यहाँ वेडिंग की थी। मैं चाहता हूँ कि हम आपकी मेमोरीज को जिंदा रखें,
और उसके लिए मुझे, मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील करता हूँ कि प्लीज आप आए, हमें सपोर्ट करें, बाहर निकलें। अगर आप सेफ फील नहीं कर रहे हैं तो टेक आउट लें, हमें कॉल करें, डिलीवरी के लिए हम डिलीवरी करेंगे। और प्लीज हेल्प हमारी जितने भी छोटे बिजनेस हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हैं, चाहे वो डेली हैं, कैफे हैं, और आपने हेल्प करें, सपोर्ट करें। वी नीड योर सपोर्ट, तभी हम वो आपकी जो मेमोरीज हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, हम उन्हें जिंदा रख पाएंगे और हम खड़े रहेंगे आपको सर्व करने के लिए। हरकेश जी, हम ज़रूर अपने सारे व्यूअर्स को ये याद करेंगे कि हमारी जो बेस्ट मेमोरीज हैं उनके साथ ये हमारे रेस्टोरेंट्स, ये सारे बैंकेट हॉल्स, ये सारे बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। इस वक्त ये सफ़र कर रहे हैं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है इन्हें सपोर्ट करना। आप इन्हें सपोर्ट करें, एक दूसरे को ये हॉलीडे सीज़न में आप गिफ्ट कार्ड्स दे सकते हैं, वहाँ से खाना एक बार मंगवाएँ, यू नो, बिसाइड्स जस्ट इन्जॉइंग एज अ मीन्स टू सपोर्ट एज वेल। हरकेश जी, हमारे साथ बात करने का आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन फ्यूचर। थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू अगेन, थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी जस्ट पंजाबी का टीम का धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू। द वे फॉरवर्ड इज तुहाडा फिर तो स्वागत है, मैं तुहाडा होस्ट हरजोत सिंह। ब्रेक ते जाण तों पहलां असीं इक इदां दे रेस्टोरेंट ओनर नाल गल कीती जो सबर्ब्स विच अपना रेस्टोरेंट चलांदे ने। हुण असीं गल करांगे सोनी सोलोमन जी नाल, जो सिटी विच मैनहट्टन, जिथे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत ही बुरी तरीके नाल हिट हुई है, उत्थे इक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चलांदे ने। हुण असीं उहनां तों जाणांगे की उहनां नूं चैलेंजेस इस दे विच आए ने और ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਨੀ ਸੋਲੋਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਚਲਨ ਸਟਾਰ ਵਿਨਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰੀ ਕਲਚਰ ਪਹਿਲੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਈਨਸ ਵਿੱਚ। ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨੋਰ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀਸ ਟਾਈਮਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਐਵੀਨਿਊ 'ਤੇ। ਸਨੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚੈਲੇਂਜਸ ਆਏ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਈ? ਚੈਲੇਂਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੇਂਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਇਟ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਡਾਇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਯਾ, ਅਤੇ ਕਰੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਯੂ ਨੋ, ਫੋਰ service, for ambiance and food, fine dining, sare ji bilkul fine dining, oh sare element jehde sige te us karke assi kadi focus nahi kita ke delivery and take out de vich vi sanu jana chahida ji, but when you know july de vich jad apne new york state governor ne keha vi hun indefinite indoor dining pata nahi kad khulugi, te that was the time for us to think okay we need to move on to next chapter ji। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਨਸੈਪਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨਿਊ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਥੈਂਟਿਕ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਡੈਕੋਰ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਢਾਬਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਆਰ ਐਕਚੁਲੀ ਵੈਰੀ ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਯੂ ਨੋ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, inside dining 25% hai gaya, so you know it's just doing good, it's not bad, you know, for covid times ji 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 assi salman ji hune harkesh ji nal ahi cheez discuss kar rahe si ki jehda restaurant industry da jehda future hai ਉਹ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ, ਯੂ ਨੋ, ਵਿਦ ਲੋਟਸ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੇਨੇਬਲ ਮਾਡਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਮੋਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉੱਪਰ ਮਾਡਲ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਜ਼ਨਟ ਦੈਟ ਰਾਈਟ?
That's absolutely right. Yes, and that's the reason I got in this in delivery and takeout model. ਜੀ 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 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਈਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਿਆ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਥਿੰਗ ਆਫ ਦ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ 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 ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਥਿੰਗ ਆਫ ਪਾਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ 2006-07 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ you know it's been like 9 months now december de vich ji lekin jehda america da te new york city da jehda culture hai ga na ji jehdi dining hai gi ya like restaurant scene bar scene lounge scene it's a part of our culture new york city da ek culture ban chuka hoya ji people will eventually when things open up people will go out restaurants khuluge it will take some time for you know places to open up because ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਂਡ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫੂਡਸ ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਖੁੱਲੂਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਮੋਰ ਟੂਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਬੈਕ ਆਫ ਦੇ ਹੈਡ ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਮੈਨਿਊ ਵੈਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਂਡ ਟੇਕ ਆਊਟ ਫ੍ਰੈਂਡ ਸੋ ਇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਬੀ ਜਸਟ ਇਨਸਾਈਡ ਡਾਈਨਿੰਗ ਓਨਲੀ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਬੀ ਥਰੂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਲਸੋ ਜੀ 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 ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੇਕ ਆਊਟ ਔਰ ਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਫੋਰ ਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਯੈਸ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨਸਾਈਡ ਡਾਈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 25% ਸੋ ਮਾਈ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਫਿਟ ਓਨਲੀ 6 ਪੀਪਲ ਵਿਦ 25% ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਮਾਈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਲ ਮਾਈ ਬਿਲਸ ਮਾਈ ਰੈਂਟ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪੇਡ ਬਾਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਂਡ ਟੇਕ ਆਊਟ ji ji so you know that's the main revenue stream right now see so this is you have adopted the model of the future dekho ek traditional fine dining restaurant jis de sara decor aur sari cheezon par badi zyada investment se ki bada zyada focus hega us to inhone you know time the need nu samajhde hoya ek chhota restaurant jithe 6 bandeyan di baithne di jagah hai aur jehda model hai oh delivery da aur take out da and which you know it seems that you are doing very successfully you know thank god knock on wood we've been doing you know since we open up there's always a risk you know it was risky you know there was you know adha part keh reha si ki wait till things get better the other half said no let's go ahead and do it so जी, you know जी. we ended up taking a chance ji 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 te sunny ji tusi assi dekhiya food vich kai cheezan de tusi pioneer hege ho ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਡ ਉਨਾ ਹੀ ਸਪਾਈਸੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਨੋ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਸਮ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ with time yes things are changing you know chef bhi nave you know jehdi navi generation jehdi hai ge chefs di they are also making indian food very hip actually you know very presentable they are using different ingredients you know they are not only just using indian vegetables you know like bahut sari different meats use ho rahe hai different vegetables use ho rahe hai ohi presentation da style bhi bilkul different ho rahe hai te yeah you know of course you know bachiyan layi they are not used to you know like india de vich assi paida hoye ha sanu ta there was no such thing as like khana spicy hai ga ya nahi hai ga jehdi cheez ghar e bani hai you have to eat it we didn't have the choice ke onu mild kar do onu oh kar do par itthe da bachiyan kol choice hai gi bahut zyada ji and plus you know once you start eating like pizza and all the other like non indian food tuhadi palate vi change hundi hai na ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਫਰਮ ਡੇ 1 ਵੀ ਆਲ ਐਂਡਡ ਅਪ ਈਟਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਜੀ 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 ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਸਮ ਕਿਡਸ ਹੂ ਲਵ ਟੂ ਈਟ ਸਪਾਈਸੀ ਫੂਡ ਹੇਅਰ ਜੀ 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 ਸਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਚਲਨ ਸਟਾਰ ਵਿਨਰ ਸਨੀ ਸੋਲੋਮਨ ਜੀ ਨਾਲ
सनी जी थोड़ा जिहड़ा ये रेस्टोरेंट है तुसी एक नवे कॉन्सेप्ट ते बनाया तुसी इसनू सिटी विच लैके गए और काफ़ी वेव्स क्रिएट कर रहा है। कल असी वेख्या कि NBC ते भी थोड़ा जिहड़ा रेस्टोरेंट है इसनू कवर किया गया, सानू दसोगे थोड़ा की चलता पाया इस रेस्टोरेंट दे नाल इस वेले? जब ये रेस्टोरेंट असी खोलिया सीगा मतलब साडा मेन फोकस सीगा कि चलो इंडियन कुजीन हो जाती है, साउथ इंडियन कुजीन हो जाती है, डिफरेंट कुजीन्स हैगी इंडिया की, यू नो जी, जे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोल गए। पर न्यूयॉर्क सिटी के कोई भी ओथेंटिक पंजाबी रेस्टोरेंट नहीं सीगा, यू नो वो ढाबे वाला मॉडल नहीं सीगा, तो इस करके असी इहदा नाम भी रखिया वीरे दा ढाबा, ताकि जिहड़े अपने जिन्हें भी इंडियन हैगे पंजाबी, यू नो सारे नूं पता लग जूगा भी ये अपना ओथेंटिक पंजाबी ढाबा हैगा। असी इत्थे कोई सी फूड नहीं यूज करते, इत्थे साडे जिहड़े मीट हैगे अपना लैम हैगा, गोट हैगा, तो चिकन है, तो वेजिटेरियन डिशेज हैगी आ जी। पहला इंडियन रेस्टोरेंट आप मतलब खोलिया न्यूयॉर्क सिटी के, जी जी तुम जो साइन देखोगे उसे लिखा वीरे का ढाबा एंड थल लिखा पंजाबी किचन। एंड साडा सिर्फ गोल ये नहीं है भी असी एक मतलब अपना रेस्टोरेंट खोलिया, हूँ तुम कोई इंडियन रेस्टोरेंट भी देखा होगा वो थले इंडियन रेस्टोरेंट जरूर लिखा होता, किसी भी रेस्टोरेंट के जाओगे कोई भी इंडियन होगा। साडा एक लोगो इदा का है उत्तर लिखा वीरे का ढाबा, जे ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ ਵੀਰੇ ਦਾ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਚਨ। ਸੋ ਆਰ ਗੋਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਮੇਕ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਫੇਮਸ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਨੋ ਵਟ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼, ਵਟ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼, ਐਂਡ ਵਟ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਆਰ, ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਜਸਟ ਸੈਲਿੰਗ ਫੂਡ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਨੋਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਿ ਹੂ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜੀ 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 ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ, ਕੈਨ ਇਟ ਬੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕਸਟਮਰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਆਸਕ ਮੀ, ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਦਿਸ ਮੀਨਸ, ਵਟ ਡਸ ਵੀਰੇ ਮੀਨ, ਪੀਪਲ ਆਸਕ ਮੀ ਦੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਸੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੀ 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 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਜੈਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿੱਤਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਬੜੀ ਯੂ ਨੋ ਡਿਫੀਕਲਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਸਕੀ ਯੂ ਨੋ ਵੈਂਚਰ, ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੌਖੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਵਾਜ ਦੇਅਰ ਐਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਪ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖੋਲਿਆ ਨਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਹੈਡ PPP ਪਲਾਨਸ, ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਕੇਮ ਆਊਟ ਫੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਇਫ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਓਪਨ, ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਗੇਵ ਯੂ ਦੈਟ ਮਨੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਜਸਟ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਗੁੱਡ ਟੀਮ ਐਂਡ ਵੀ ਥੌਟ ਓਕੇ ਯੂ ਨੋ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਚਾਂਸ। ਜੀ 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 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਔਸਮ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡੈਪਟ ਨਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂ ਨੋ ਐਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਵੈਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਬਹਬ ਹੈਗਾ, ਚਾਓ ਨਾਓ ਹੈਗਾ, ਊਬਰ ਈਟਸ ਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਰਡਰ ਥਰੂ ਦੋਸ ਐਪਸ। ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਕੈਨ ਦੇ ਗਾਟ ਅ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਰੂਮ ਟੂ ਬਰੀਦ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਸੇਵ ਸਮ ਮਨੀ ਔਰ ਯੂ ਨੋ ਹੈਲਪ ਦੀ ਇੰਪਲੋਈਜ ਐਂਡ ਨੋਟ ਗੈਟ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਐਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਬਾਊਟ 30% ਦੇ ਟੀਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ 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 ਸੋ ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪਡ ਅ ਲੋਟ। ਸਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੈਟਰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਅ ਵੇ ਫੋਰ ਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਇਟਸ ਗਲੋਰੀ ਦ ਵੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੰਫੀਡੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਯੈਸ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਮ ਬੈਕ। ਜੀ
एंड की तुसीं एडवाइस करने चाहोगे तुहाडे जिहड़े यू नो फेलो कम्युनिटी मैंबर्स इन इस इंडस्ट्री विच, वुड यू हैव अ वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर देम? वेल यस, आई मीन अगे जाके यू नो हले इफ यू हैव अ गुड यू नो पेडिग्री और अ गुड रेज्यूमे, देयर आर अ कपल ऑफ डील्स व्हिच यू कैन मेक राइट नाउ विद द लैंडलॉर्ड्स. And the landlords are willing to work with people who have made themselves, you know, who have a good reputation. They are serving good food, you know, they are known in media. So those kind of chefs are getting very good deals right now. And those kind of restaurateurs also getting very good deals now. It all depends on the deal. But I would say is if you go in restaurant business, let's say you're planning to open up something in 2021, right? Mm-hmm. Don't expect any profit. In the first year, in 2021. But after that, yes, definitely the returns will be much, much better. Yes, absolutely. And, you know, the scene's going to come back. As soon as things get better, we have the vaccination coming out. You know, people, you know, right now people are scared for inside dining. When the things get a little better, when people start feeling comfortable, the masks come off, you know, everything's going to be just fine. Back to normal. We won't even talk about 2020 anymore. ऑप्टिमिज्म थोड़ा सुन के बड़ा अच्छा लग्या. मैं सनी जी, साड़ी पर्टिकुलरली कम्यूनिटी विच क्या ऐसी और तुहाड़े रेस्टोरेंट इंडस्ट्री विच ऐसी कोई यूनियनस हैगियां, तुहाड़ी ऐसी कोई ग्रुप्स हैगे जो तुहाड़े कॉज नू सपोर्ट करदे, तुहाड़े लई लॉबी करदे? कम्यूनिटीज दे विच बने आ, वी आर स्टिल वेरी न्यू इन ईस्ट विलेज कम्यूनिटी जी, बट सो फार यस पीपल यू नो द ईस्ट विलेज कम्यूनिटी इज एक्चुअली सपोर्टिंग अस, यू नो दे वर द फर्स्ट, आई मीन they started ordering without even knowing who we are, and they tried us, and then they are local organization, they approached us, and then you know we also actually give you know little lunch boxes for some of the you know donations to some of the community members, you know, who are not doing well in this COVID time. So yes, the word is actually getting out, and there are people, the community, local communities are supporting us right now. Yeah, ji. सनी जी, सानू वी अंडरस्टैंड तुहाडी जिहड़ी सारा बिजनेस मॉडल है इस दे विच केटरिंग इज़ अनदर वेरी बिग पार्ट ऑफ इट, और इस वेले क्योंकि वो जिहड़ी सोशल गैदरिंग्स हैं इन्नी ज़्यादा नहीं हो रही, तो दैट माइट बी अफेक्टेड एज वैल, और यू नो बिसाइड्स दैट ऑल्सो द होल इंडस्ट्री इज़ अफेक्टेड, हॉस्पिटैलिटी एज अ होल, होटल्स बंदे होंगे घूमन वास्ते आते हैं, रेस्टोरेंट्स खाते हैं, बंदे ट्रैवल नहीं कर रहे, होटल्स खाली पेन, तो इंडस्ट्री जी है जनरली काफ़ी ज़्यादा यू नो अफेक्टेड हैगी है. की तुसी कहना चाहोगे साडे कम्यूनिटी मैंबर्स नू एट दिस टाइम, हाउ कैन वी सपोर्ट द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एट दिस टाइम? वेल that's actually a very, very good question. You know, end of the day, it comes down to the people who are living in that community where the restaurant established, you know, just pick one restaurant, at least, you know, try to order once a week from them, you know, and, you know, tell your friends about those places, tell them to try. And I think it'll be a community effort for, you know, small businesses like us to remain in business. It's, you know, I know, COVID time again, everybody's going through tough times. But if you have a little extra and, you know, try to spend that dollar, it doesn't have to be a restaurant, but try to spend that dollar in within the community. So it will come back to you eventually, you know, and it will go back and help the small business owners. So that's how the community, as a community, we will prosper. सनी जी, असी अपने लोगों नूं इस गल ते इनकरेज कर रहे हैं, असी आप भी ये कर रहे हैं कि यू नो ये हॉलीडे सीजन है, असी एक दूसरे नूं गिफ्ट देंदे हैं, वो जिहड़े गिफ्ट हैं असी अपने लोकल रेस्टोरेंट्स दे लोकल स्मॉल बिजनेस दे जिहड़े गिफ्ट कार्ड्स हैं वो दे सकते हैं, खुद भी असी आप जाके बाहर खा रहे हैं, उन्हां नूं भी असी इनकरेज कर सकते हैं, एंड दैट कुड बी अ वेरी गुड गिफ्ट. व्हाट डू यू से? एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग जो जी, दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਜੇ ਛੋਟੇ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਯੂ ਨੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਵਨ ਟੂ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕਮਿੰਗ, ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਦਮ ਆਊਟ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਸਮ ਅਦਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀ, ਯੂ ਨੋ ਟੇਕ ਦਮ ਇਨ ਯੋਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਸ਼ੋ ਦਮ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਪੈਂਡ ਦੈਟ ਮਨੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਦੈਟ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਸਪੈਂਡ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਸਮ ਹਾਊ. ਜੀ. ਸਨੀ ਜੀ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟਸ ਵੇ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ, ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ.
ਸਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਂਚਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੋ ਸਭ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀਸ ਟਾਈਮਸ, ਯੂ ਓਪਨਡ ਅਪ ਅ ਨਿਊ ਪਲੇਸ, ਇਟਸ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਅਡੋਪਟਿਡ ਦ ਯੂਨੋ ਨਿਊ ਫੋਰਮੈਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫੋਰਵਰਡ।